साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे ओमिप्राजोल कैप्सूल 20 mg, इसको ओमेज ब्रांड नेम जो कि बहुत फेमस है। ओमिप्राजोल कैप्सूल 20 mg हमारे पास है, गवर्नमेंट सप्लाई में आता है, उत्तर प्रदेश सप्लाई में, सुपर फार्मुलेशन फार्मास्यूटिकल है उज्जैन की, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। ये सरकारी अस्पताल के अंदर अवेलेबल होता है और मार्केट में हर दुकान पे ये जो है ओमिप्राजोल मिलेगा। इसका जेनरिक नेम जो केमिकल फार्मूला है ओमिप्राजोल है, वो सभी में सेम रहेगा, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है। तो साथियों इसमें कोई वैसी बात नहीं है, चीज़ वही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की साथियों, एंड यूजेस की बात करेंगे साथियों, साथ ही साथ इसके डोज की बात करेंगे, फिर इसके साइड इफेक्ट की, इंट्रक्शन एंड कंपनी ब्रांड्स। तो सबसे पहले ओमिप्राजोल है क्या, इसके बारे में साथियों हम समझेंगे। ओमिप्राजोल जो है कैप्सूल, ये क्या होता है कि पेट में गैस बनती है या किसी तरह से जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, तो तुरंत याद आता है, चाहे मरीज हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, तुरंत इसको प्रिस्क्राइब करता है और मरीज भी जाके मेडिकल स्टोर से इजली से लेके खाता है। पर रियलिटी ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओमिप्राजोल सबसे पहले जानेंगे है क्या। ओमिप्राजोल कैप्सूल 20 mg आर यूज टू ट्रीट दी फॉलोइंग कंडीशन। होता क्या है, जैसे एडल्ट में क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसको GORD, बहुत लोग तो GORD कहते हैं, अदरवाइज GERD इसको कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एंड दिस इज वेयर एसिड फॉर्म, ये पेट के अंदर जहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, स्टमक उसको क्या होता है, दी स्टमक स्केप इंटू द गुलेट, गुलेट कहते हैं, द ट्यूब होता है, एक तरह से गुलेट उसको कहते हैं, ट्यूब को, जो विच कनेक्ट विथ थ्रॉट, है ना, थ्रॉट मतलब गले के उसमें और पेट से कनेक्टेड होता है। और क्या होता है, जब गैस बनने लगती है तो हार्ट के पास जलन होने लगती है, गले में जलन होने लगती है और बहुत पेन होने लगता है, कॉजिंग पेन और इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है और हार्ट बर्न होने लगता है। ओमिप्राजोल यूज टू ट्रीट सर्टन स्टमक एंड इसोफेगल प्रॉब्लम, ये क्या होता है, स्टमक और इसोफेगस प्रॉब्लम में आता है, जैसे सच एस एसिड रिफ्लेक्स, एसिड जो है उसमें और पेट के अंदर एसिड बनता है उसमें उपयोग किया जाता है, और अल्सर घाव अगर हो जाते हैं पेट के अंदर, मतलब जो है अल्सर टाइप का हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये क्या करता है, इट वर्क बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिड इन योर स्टमक में, जहाँ भी एसिड बनता है वहाँ पे क्या करता है कि ये जो है उसको कम कर देता है, बनना रोकता है और साथ ही साथ में एसिड को कम कर देता है। तो इसलिए क्या करता है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टमक मेक्स, जहाँ पे भी बनता है वहाँ जाके डिक्रीज, एंड इट रिलीव द सिम्टम्स सच एज हार्ट बर्न, और हार्ट में जो बर्न होने लगता है, जलन होने लगती है और डिफ़िकल्ट स्वालो, जैसे गले में कोई खाना खाते हैं स्वालो करने में दिक्कत होती है, उसमें ये आराम पहुँचाता है, उसमें भी, एंड परसिस्ट कफ, और जो कफ खांसी आने लगती है साथ ही साथ एक और चीज़ बन जानेंगे, ओमिप्राजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है, कैप्सूल है। साथियों इसी के साथ ये डिस्क्रिप्शन की बात की, यूजेस की बात करेंगे, तो सबसे अच्छा इसका जो यूज है, पेट में गैस अगर बनती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एसिडिटी हो जाती है उसमें और गैस और खट्टी डकार आती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी मरीज को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तुरंत डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्राइब करता है। स्टमक में अल्सर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसोफेगाइटिस, और इसोफेगस में किसी तरह की सूजन हो जाती है गैस की वजह से, तो जो है उसमें इसका इस्तेमाल, एंड डियोडिनल अल्सर, डियोडिनल में अल्सर है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड हेलीबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ होता है जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड डिस्पेप्सिया एंड पेप्टिक अल्सर उसमें इस्तेमाल किया जाता है, भूख ना लगे उसमें भी, एंड सिस्टमिक मस्टोसाइटोसिस एक बीमारी होती है उसमें, एंड हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से इसके उपयोग हैं साथियों। साथ ही साथ हम डोज की बात करेंगे साथियों, इसका डोज क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन जो रेगुलर डोज है तो 20 mg का एक कैप्सूल वंस ए डे, ये क्या होता है साथियों, सुबह खाया जाता है नाश्ते से पहले 15-20 मिनट खाली पेट इसको खा के, फिर उसके बाद हैवी नाश्ता करना होता है, तो कहने मतलब है कि इसका हैवी नाश्ता किया जाता है, तो वंस ए डे, और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है 4 हफ्ते होती है, मतलब इसको 4 हफ्ते तक लिया जाता है, स्टैंडर्ड जो डोज है। पर इसका साथियों क्या होता है, हर बीमारी पे अलग अलग इसका डोज है, जैसे हाइपर सिक्रेटरी में 60 mg जो है तक पूरे दिन में डिवाइडेड डोजेज में लिया जाता है,
सुबह शाम दोपहर कभी भी ले सकते हैं, मतलब 60 mg दिन में एक बार लेना है। उसी तरह से बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे हेलीबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन है, इसमें जो है 20 mg ही लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इलीसन सिंड्रोम 60 mg। तो इस तरह से डॉक्टर की देख रेख और डॉक्टर से की सलाह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज 20 mg वंस ए डे खाली पेट कैप्सूल खाया जाता है। साथियों, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। बहुत से मरीजों में इसके उपयोग से देखा गया है कि जैसे नोजिया वोमिटिंग हो जाता है, ब्लरिड विजन हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और भूख जो है मर जाती है, साथ ही साथ सोर थ्रॉट हो जाता है, चक्कर आने लगता है, ड्रॉजिनेस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और जो है क्या होता है, माउथ के आसपास ड्राई हो जाता है, किसी किसी मरीज को हल्का सा हेडेक हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से इसके साइड इफेक्ट हैं। साथियों, अब इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो इस दवाई का इंट्रैक्शन, जैसे अगर कोई आपकी दवाई चलती है, व्हेन यू गो टू डॉक्टर और फार्मासिस्ट टेल योर अबाउट द डिजीज एंड मेडिसिन, अगर कोई बीमारी पहले से है या कोई अगर दवाई खा रहे हैं तो तुरंत जो है उसको आप बताइए। जैसे कि विटामिन की अगर कोई दवाई खा रहा है तो उसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, तो ओमेज कैप्सूल का सेवन बंद कर दें। या हर्बल्स, जैसे हर्बल्स आयुर्वेदिक कोई नुस्खे वगैरह लोग लेते हैं तो उसके साथ इसका सेवन ना करें। और एटाजेनविर एक टैबलेट होती है और रिलपीविरीन टैबलेट है या क्लोपिडोग्रिल, इस तरह से दवाइयां हैं, उसके साथ इंट्रैक्शन हो जाता है। एंड वेरिकोनाजोल और वारफरीन है, फिनटोइन है, डाइजीपाम है, सीटो प्लारीम, इस तरह की दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है। तो इसलिए दवाई जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर कोई पहले से चल रही है तो बता दें, अदरवाइज इन दवाइयों के साथ इसका सेवन नहीं किया जाएगा। साथियों, हम बात करेंगे ब्रांड्स की। बहुत सी कंपनी इसको जो है अपने अपने नाम से बनाती हैं, पर फार्मूला सेम होता है, ओमिप्राजोल 20 mg। तो साथियों, ये क्या होता है कि 40 mg में भी अवेलेबल होता है, 20 mg में भी अवेलेबल होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है एंड इसका सीरप फॉर्म भी आता है एंड टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो बहुत सी स्ट्रेंथ में आता है। तो जैसे फेमस ब्रांड की बात करेंगे तो है लोमैक कैप्सूल, जो 20 mg 40 mg में सारी स्ट्रेंथ में सिप्ला फार्मास्यूटिकल बनाती हैं। साथ ही साथ ओसिड सबसे फेमस ब्रांड है, ओसिड 20 ओसिड 40 कॉम्बिनेशन की वजह साथ आता है। तो ओसिड जो है जॉयडस कैडिला बनाता है एंड ओलाइट कैडिला फार्मास्यूटिकल बनाती है एंड ओमेज जो सबसे फेमस ब्रांड है डॉक्टर रेड्डी बनाती है, ऑस्कर कैप्सूल है मैनकाइंड बनाती है। तो इस तरह से बहुत से इसके ब्रांड्स हैं। साथियों, ये तो ओमेज के बारे में आज बात किया, किसी तरह से क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।